दोस्तों महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। हर महिला को व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, लेकिन महिला जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके बाद ये व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है, इसकी क्वांटिटी जो होती है, इसका फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में महिलाएं कहीं ना कहीं चिंतित हो जाती है इसे लेके कि आखिर ये व्हाइट डिस्चार्ज इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या इससे कोई घबराने की बात तो नहीं है, क्या इससे गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या इससे कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशान करती रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जिसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, ये नॉर्मल होता है या इसमें कोई घबराने की बात होती है। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये आखिर महिलाओं में होता क्यों है और इसका क्या कारण होता है। जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है महिलाओं में, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, महिलाओं में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, खासतौर पर पीरियड्स के आसपास, तो उस टाइम पे ये व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लगता है। अब इसका काम ये होता है कि ये जो है आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल सेफ रखे और आपके प्राइवेट पार्ट से अंदर की ओर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए इस व्हाइट डिस्चार्ज का फ्लो महिलाओं में बना रहता है ताकि आगे चल के महिलाएं इजीली कंसीव कर सके, बच्चा पैदा कर सके। इसके अलावा भी दोस्तों व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि ओवुलेशन टाइम के दौरान ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये बहुत ज्यादा होने लगता है। और इस व्हाइट डिस्चार्ज का काम इस टाइम पे जब आप संबंध बनाते हैं उसके बाद शुक्राणु को एग तक ले जाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, उसका फ्लो बहुत अच्छा बनाता है, उसको बहुत अच्छे से स्विम कराता है। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले इस व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि महिलाओं के शरीर में इस दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका स्राव बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा महिलाओं में ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाता है, ताकि महिलाओं के गर्भाशय में बच्चे तक ये जो ब्लड है वो आसानी तक पहुंच सके, ब्लड का फ्लो काफी अच्छा हो। तो इन्हीं वजह से इस दौरान व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बनने लगता है और इसका फ्लो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान ये व्हाइट डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको सफेद पानी हो रहा है, बल्कि ये आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो ऐसे कि ये जो है आपके गर्भाशय को बिल्कुल सेफ रखता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है आपके गर्भाशय और आपके बच्चे तक प्राइवेट पार्ट के थ्रू नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए ये व्हाइट डिस्चार्ज होना इस दौरान बहुत ज्यादा सही होता है। तो नॉर्मली जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है दोस्तों वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ये बिल्कुल चिपचिपा सा होता है, हल्का गाढ़ा गाढ़ा सा हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि आपके शरीर में होती है, तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी घबराए नहीं। अब घबराने की बात कब हो जाती है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, इसमें दोस्तों जब ये व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा स्मेल वाला होता है, इससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है, या फिर ये व्हाइट डिस्चार्ज अपना रंग बदल रहा हो, हल्का गुलाबी हो सकता है, भूरा हो सकता है, हल्का ग्रीन हो सकता है, या फिर पीले रंग का गाढ़ा ये अगर आपको हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा खुजली नीचे हो रही हो इस वजह से और आपको यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन दे सकती हैं, जो इन्फेक्शन धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ के आपके गर्भाशय को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती है, ऐसे कोई लक्षण आपको दिखते हैं कि आपका जो ये व्हाइट डिस्चार्ज है ये कलरफुल हो गया है, या फिर इसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और इसका ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यूरिन जैसा कोई डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल व्हाइट कलर का हो, ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ज्यादा पतला हो, इसमें आपको ऐसा ब्लड जैसा फील भी हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर आपको ये लगता है तो आपको तुरंत जो है अपने डॉक्टर से इस दौरान संपर्क करना है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी गंभीर बीमारी का खतरा भी हो सकता है। अगर किसी महीने आपको लगता है कि ये जो डिस्चार्ज है बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा फ्लो में हो रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से इसे जरूर दिखाना है।
अदरवाइज अगर आपको हर महीने एक नॉर्मल फ्लो अगर वाइट डिस्चार्ज का हो रहा है तो आपको उसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप इसको पूरी गर्भावस्था के दौरान चेक करते रहिए कि आपको ये वाइट डिस्चार्ज आखिर किस तरीके का हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है सफेद पानी को लेके तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।